हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं एमडी प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जन सुनवाई ऐप के बारे में जानने वाले हैं। हमने इस ऐप में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, तो उसका मुझे समाधान मिला है कि नहीं मिला है, या आप करवाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जन सुनवाई ऐप में आप कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई मदद मांगनी है। दोस्तों, ये ऐप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी मदद मांगनी हो या कोई भी शिकायत करनी हो, तो आप मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत पहुँचा सकते हैं। तो उनके द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है। तो पूरी डिटेल दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, या हमें समाधान मिला है कि नहीं मिला है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। हम इस वीडियो में पूरा आपको बता देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये ऐप आपको मिलेगा कहाँ पे। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप इसको सीधा जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इसमें रजिस्टर्ड कैसे करना है। रजिस्टर्ड करने के लिए आप इसको जैसे ही ओपन करोगे, तो आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछी जाएगी। तो वहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब दे देना है। आपके पास ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना है, और आप वहाँ पर साइन अप कर लीजिए। तो जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे, अगर आप नहीं भी साइन अप कर पाते हैं, तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख के साइन अप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं खास कर क्या बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करवाते हैं या आप अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन कंप्लेंट दर्ज होने के बाद क्या रिजल्ट आता है, समाधान होता है कि नहीं होता है, ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। इस वजह से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जो है, अगर रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी रजिस्टर करने के बारे में, या आप कंप्लेंट दर्ज करवाने के बारे में देखना चाहते हैं तब भी आपको वीडियो मिल जाएगी। जो भी हमने शिकायत दर्ज की थी, उसका जो रिजल्ट आया है, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ शिकायत की स्थिति देखें पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक कर देंगे, जिस भी कैटेगरी की आपकी शिकायत है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारी तो जन सुनवाई शिकायत है, तो यहाँ पे पहले से टिक लगी हुई है। अभी मैं यहाँ पे शिकायत ट्रैक करें पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी दो शिकायत है। एक तो अभी प्रोसेस में है, अभी उस पर काम चल रहा है, अभी उसका जो है इंक्वायरी वगैरह कर रहे होंगे। तो वो तो जो भी है, वो तो अब वही लोग बता सकती हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, होता है कि नहीं होता है। अब जो हमारी दूसरी है, उसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको निस्तारित कर दिया गया है, उनके हिसाब से इसको क्लोज कर दिया गया है, यानी इसका काम हो गया है। चाहे आप इसको उन्होंने गलत मान के क्लोज किया हो, चाहे उनका उनके हिसाब से इसका समाधान हो गया, इस वजह से उन्होंने क्लोज किया है। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या उनको लगा इसके बारे में। तो अभी मैं स्थिति देखे पे मैं क्लिक करता हूँ। तो स्थिति देखे पे मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डिटेल वगैरह है, यहाँ पे किस वजह से कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज कराई गई है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता सकता कि हमने कंप्लेंट किस वजह से की है और किस जगह पे की है, मैं अपनी डिटेल आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों ये सिक्योरिटी के रीजन इसको हमने हाइड करके रखा है। केवल मैं आपको जो भी मुझे इसका रिजल्ट आया, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आख्या देखे पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने आख्या देखे पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी रिजल्ट उन्होंने भेजा है, जो हमारे यहाँ के खंड विकास के अधिकारी हैं, उन्होंने क्या लिखकर भेजा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। वो सारा कुछ मैं आपको नहीं पढ़ के बताऊँगा, केवल एंड में जो इन्होंने लिख के भेजा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, शिकायत निराधार है, शिकायत पत्र निस्तारित करने का कष्ट करें। तो उनके हिसाब से जो भी हमने शिकायत दर्ज की थी वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है उनके हिसाब से। तो उन्होंने कहा है जन सुनवाई से कि आप इस शिकायत को निरस्त करने का कष्ट करें। तो उनके कहने से जन सुनवाई ने अपना जो है यहाँ पे इस शिकायत को क्लोज कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जन सुनवाई की तरफ से आपके पास कॉल आएगी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भी आ सकती है। तो उनको आपको क्या बताना है, आपको सीधा बताना है। अगर आपका काम हो गया है तो आपको बताना है अभी हमारा काम हो गया, अगर नहीं हुआ है तो आपको सीधा बता देना है कि हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है, लेकिन आपने हमारी शिकायत को निरस्त कर दिया है। तो वो लोग आपकी जो है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका फीडबैक है, वो आगे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो यही है, ये जो शिकायत जन सुनवाई एप्लीकेशन है, ये काम नहीं करता है,
जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने शिकायत दर्ज की है और यहाँ पे कुछ खास इसका रिस्पांस आया नहीं है, क्योंकि कुछ इंक्वायरी अगर ठीक से वो लोग करते तो इसका सही तरीके से रिजल्ट आता। जो भी यहाँ पे इन्होंने लिख के भेज दिया है, बस उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और हमारी शिकायत को उन्होंने निरस्त कर दिया है। तो दोस्तों वैसे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। हो सकता है आपके यहाँ का जो इसका अधिकारी हो वो ठीक ठाक हो, आपकी जो है कंप्लेंट को आगे बढ़ा दे, इसको निरस्त करवाने के लिए रिक्वेस्ट ना करे। तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने एरिया में। तो दोस्तों अगर आपकी शिकायत एक्सेप्ट हो जाती है या आपका काम या आपका समाधान हो जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या अगर आप पहले से ही कंप्लेंट दर्ज करवा चुके हैं और आपको इसका समाधान मिला है कि नहीं मिला है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि जो जन सुनवाई ऐप है ये काम करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों बस यही है जन सुनवाई ऐप की हकीकत जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है, जो भी दिखाया है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पे एक वीडियो और डालने वाला हूं, उसमें दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप कोई भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी सरकार का ही एप्लीकेशन है, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत पैसे देना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर काम डेफिनेटली 100% में 90% चांस होता है कि आपका काम होगा। तो दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखना चाहती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बगल में घंटा वगैरह आता है उसको भी आप दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।